पे हेडफोन्स वगैरह जो है वो दिए हुए है सैया। तो हम दोनों टीम में खेलेंगे और फाड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे। और पीछे गाइस बॉन्जुर नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, खम्मा करी सुरे काल। तो के हाल चाल सर, फाइनली बड़े दिनों बाद मेरी न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो चुकी है। आज की ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की ब्लॉग में मैं आपको बिहाइंड द सीन शूट्स वगैरह कैसे होती है कैसे नहीं मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन आज है रक्षाबंधन और मैं तकरीबन सुबह उठा था 6:30 के आसपास, क्योंकि दीदी से राखी बनवानी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शाम को शूट से जब आऊँगा तो मे बी लेट हो सकता है और मुझे टाइम मिलेगा नहीं फिर, और लाइक मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि अगर 10 बजे पैकअप हो, 12 बजे हो, 2 बजे पैकअप हो। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी जल्दी दीदी को बोली कि राखी बांध लो सुबह सुबह। तो दीदी ने राखी बांध दी, उनको एक प्यारा सा 150-200 वाला चॉकलेट का गिफ्ट का बॉक्स दे दिया मैंने, चॉकलेट वाले का। बस 150-200 में सस्ते में पड़ गए दीदी, ठीक है। ऐसे जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, अपनी बहन भाई को पटाना चाहते हो तो चॉकलेट के अलावा डेयरी मिल्क वाले के 2-4 आएंगे, बस 150-200 के डब्बे आते हैं वो लाओ और दे दो, आपकी बहन पड़ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी बज रहे तकरीबन 6:30, मैं उठा था 5:30 को, दीदी ने राखी वगैरह बांध दी, उसके बाद मैं नहा के रेडी होने ही वाला था अभी, बट मैं सोचा क्यों ना इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो मैं अभी शूट कर लूँ, तो इसीलिए फिर मैंने इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर दिया। तो अभी रेडी वगैरह होके एकदम अच्छे से टिप टॉप बन के जाना है हमको शूट पे, मज़ा आएगा भिड़ू, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, शूट पे चलते सीधा। तो फाइनली मैं रेडी वगैरह जो था मैं वो हो चुका हूँ और अब मैं निकल चुका हूँ, और अभी हमको जाना है गोरेगांव फिल्म इंडस्ट्री साइड, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं जाना, यानी कि फिल्म सिटी हम लोग को नहीं जाना। फिल्म सिटी के आसपास में कोई एक एरिया और जो लाइक स्टूडियो का स्टूडियो है जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक एड्रेस वगैरह जो है वो मुझे प्रोवाइड किया है उन्होंने, सो लेट्स सी पहले जाते हैं और फिर एग्जैक्टली देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या क्या नहीं। तो स्टूडियो ये जहाँ तक मेरे को पता है, पॉसिबिलिटी तो स्टूडियो की है, बाकी तो फिलहाल तो कोई आइडिया है नहीं कि क्या है एग्जैक्टली क्या नहीं, सो वही है पहले जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था घर से, क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो जल्दी निकल गया था। तो मैंने स्टेशन से डिस्टेंस देखा तो वो हार्डली 10 मिनट्स का था, तो मतलब ऑलरेडी मैं जल्दी आ चुका हूँ, ऑलरेडी मतलब मैं 1 घंटा जल्दी आ चुका हूँ, तो मतलब क्यों ना बाय वॉक चल लिया जाए और उस एड्रेस तक पहुँचा जाए। तो अभी हार्डली 5 मिनट्स और बाकी है, मैं 5 मिनट्स वॉक करके यहाँ पे आ चुका हूँ, देखते हैं अगर स्टूडियो कहाँ पे कहाँ पे नहीं। तो फाइनली हम आकांक्षा स्टूडियो पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी शूट्स हो चुकी है मूवी की, जो भी आपको मूवीज़ यहाँ पे दिख रही है इन सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूट हो चुकी है ऑलरेडी। 10:30 का है ना, 10:30 बोला था, 10:30 का हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। फाइनली मैं आकांक्षा स्टूडियो पहुँच चुका हूँ, पीछे देख सकते हो ये आकांक्षा स्टूडियो, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूट हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे MS धोनी की भी कितने सारे सीन्स यहाँ पे शूट हुए, MS धोनी हो गया, केदारनाथ वगैरह हो गए, तो इन सब के कुछ कुछ जो छोटे छोटे सीन्स हैं वो यहाँ पे शूट किए गए हैं, तो उसको ट्रिब्यूट भी दिया है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत सर को। तो ये उनको ट्रिब्यूट भी दिया है। तो आकांक्षा स्टूडियो तो फिलहाल तो अभी अंदर तो मैं गया नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं बैग वगैरह रख के चेक करता हूँ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो आपको दिखाऊँ। आज मैं शूट पे थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा माहौल होता है कैसा नहीं। वहाँ पे हमारा सारा जो ब्रेकफास्ट वगैरह होगा वो वहाँ पे होगा। तो जो भी हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होगा वो यहाँ पे होगा, आप देख सकते हो, और फिर उस साइड वैनिटीज वगैरह खड़ी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम लोग शूट वगैरह पे आते हैं तो हमारा सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, जहाँ पे सब बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर लंच वगैरह जो भी हो गया तो वो सब ऐसी जगह पर होता है, और उसके बाद मैं वैनिटी वैन दिखाता हूँ फिलहाल बाहर से। वहाँ पर इनकेस अगर ज़्यादा लोग आ जाए कुछ हो जाए तो यहाँ पर भी आप पे रख देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जो भी सीन आर्टिस्ट वगैरह हो गए वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये है हमारी वैनिटी वैन, जहाँ पे वैनिटी वैन रहती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे रूम है 1, 2, 3। हमने वैनिटी वैन तो आपने देख ही लिए, तो बेसिकली उसका कुछ सीन ऐसा है कि एक छोटा सा कैबिन टाइप कैबिन होता है, जो ऑलरेडी मैंने मेरी पिछली शूट से आपको मैंने दिखाई है कैसा है कैसा नहीं, तो ऐसे टाइप का कुछ कैबिन होता है और उसके अंदर ही फिर हम रहते हैं। जो भी है हम दो बंदे ऐसे हैं जो शूट पर हमेशा जल्दी पहुँच जाते हैं, मेरे साथ है राज, बढ़िया, तो मेरे साथ है राज, और अभी हम दोनों थोड़ा मुआयना कर रहे हैं सेट का, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, स्टूडियो कैसा है कैसा नहीं। हालांकि आइडिया तो ऑलरेडी पहले से है, हम 1-2 बार आ चुके हैं, बट आपके लिए सब चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली कैसा है कैसा नहीं। तो राज मेरे साथ है और अभी और भी लोग आने वाले हैं, तो आपको मिलवा दूंगा जो जो मेरे साथ में रहेंगे, एज ए टीम हम काम करेंगे, सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे का क्या प्लान है फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, बट शूट स्टार्ट होने का अभी 1 घंटा बाकी और हम लोग दोनों 1 घंटा जल्दी आके थोड़ा सा घूम फिर रहे, देख रहे हो इतना पैशनेट है यार, मतलब अलग अलग सुकून है पता है इस चीज़ में, अच्छी लगे जो स्ट्रगल लाइफ चलती है और उसके बाद है कि नहीं बिल्कुल। तो राज जो है बेसिकली वो अंधेरी का है, ठीक है, तो अंधेरी से और वो अंधेरी से यहाँ से आया है,
और मेरे को तो आप जानते ही। ओके, तो फिलहाल हमारी जो शूट वगैरह जो है वो सामने स्टूडियो आप देख सकते हो, उस स्टूडियो में है। तो एग्जैक्टली सीन भी जैसा है कि सामने बंदा था, स्माइल कर रहा था, मतलब स्माइल देते। ओके, तो हमारी जो शूट्स वगैरह जो है वो पीछे यहाँ पे स्टूडियो आप देख सकते हो, उस स्टूडियो के अंदर शूट है। तो फिलहाल तो हम रेडी हो चुके हैं, हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है बेसिकली शूट पे आने के बाद आपका नेम वगैरह लिया जाता है, तो वो सारा नाम वगैरह जो भी था वो सब उन्होंने ले लिया है। और फिलहाल ड्यू टू कोविड लोग टेम्परेचर वगैरह भी चेक करते हैं थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वो भी लगभग हमारी हो चुकी है फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट। और पीछे आए हैं क्या आप, मतलब पोस्टर है यार, ये अलग ही जान है पता है, अच्छी लाइक ट्रू इंस्पिरेशन है पीछे, ठीक है। तो वही है, फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है, बट थोड़ी देर में एक अराउंड आधे घंटे में हमारा शूट वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो सेट वगैरह जो है वो रेडी हो रहा है, स्टूडियो के अंदर सेट है तो रेडी हो रहा है। तो कैसा होगा कैसा नहीं, मैं आपको किसी तरह मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं आपको बता पाऊँ सेट वगैरह कैसा है कैसा तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो ये रहा मेरा आज का टी शर्ट जो शूट है, तो अभी इससे आप समझ ही सकते हो एग्जैक्टली क्या शूट होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो समथिंग गेमिंग के रिलेटेड कुछ होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखो वीडियो का एंड तक। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेट की तरफ, जहाँ पे हमारा स्टूडियो के अंदर पूरा सेट वगैरह जो है वो रेडी कर दिया है। तो गेमिंग वगैरह का कुछ तो सीन है, क्या है क्या नहीं मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा, ट्राई करूँगा कि मैं कवर कर पाऊँ, बाकी पता नहीं, मुझे कोई आइडिया है नहीं। फाइनली हमारा जो शूट वगैरह जो था वो तो अंदर हल्का फुल्का हो गया है, फिलहाल हम बाहर हैं और मेरे साथ इस वक्त है मुस्कान। हाय मुस्कान। इवन आई एम देयर। तो मुस्कान आज आपको एंटरटेन करेगी। मैं जरूर। और दिस इज आदिल। लाइन भूल गया, कल बताता हूँ। आज का क्लाइमेक्स कुछ और है, मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बाय, टेक केयर। 5 मिनट रुको, 10 मिनट में तुमको आदिल भाई बताएंगे क्या कर रहे हैं। सागर शुक्ला। सागर शुक्ला। तो सागर शुक्ला और बहुत से मेरे नए दोस्त यहाँ पे मुझे मिले और बने। तो फिलहाल सीन्स कुछ ऐसा है कि हम थोड़ा सा बाहर रील्स वगैरह शूट करने जा रहे हैं, पीछे वहाँ पे है हमारा, वहाँ पे सब हमारा जो लंच वगैरह था वहाँ पे हुआ था, पीछे वहाँ पे स्टूडियो है और फिलहाल पहले जाएंगे और रील्स वगैरह शूट करेंगे। मेरे साथ अकेले ब्लॉग बनाने वाला था, लेकिन ये क्या बोल रहे हो, रील्स बनाते बनाते अपना ही ब्लॉग बनाने लगे। आदिल भाई वीडियो बनानी है नहीं? अरे तो चलो ना, चलो फिर बाय। ओके, तो ये पीछे हमारा स्टूडियो है यहाँ पे और सारे मेरे क्रिएटर्स एक के बाद एक क्रिएटर्स आते हुए बाहर, तब सामने कुछ तो कंटेंट आदिल भाई का शूट करना था, पहले वो शूट करते हैं और फिर देखते क्या है क्या नहीं। हम रील्स वगैरह शूट करके आ चुके हैं बाहर, वो रील्स की स्केडिट वगैरह हो गई हमारी और यहाँ पे है मेरे सारे टीम मेम्बर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है गुलशुका अफशा, गुलअफशा, आई एम सो सॉरी, आ गया गुलअफशा, सागर, सागर शुक्ला, दिस इज आदिल, आदिल, ठीक है। आदिल को फॉलो करो इंस्टा पे, फॉलो करो, लाइक करो और IT_H_ बस बस ज्यादा नहीं, अंडरस्कोर हेयर नेहा नेहा, एक चीज का एक तो पता है, इसका नाम मुस्कान है और मुझे पता नहीं, मैं सुबह से नेहा नेहा कर रहा हूँ। नहीं अब पता है, मेरा सुबह से इसने दिमाग खा लिया है कि तू मेरे को व्लॉग में लेगा लेगा और वो भी अकेले लेगा, लेकिन एक कचरा पेटी के साथ ले लिया। मैं हट जाता हूँ, गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। कचरा पेटी यहाँ से हट चुका है, आप वापस बात कर सकते हो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं, दिल पे मत लेना, नहीं नहीं, बाकी दिल पे ले रहा हो तो ऐसे तो इसको कोई टेंशन है नहीं। दिमाग पे ले लेना। एक्चुअली क्या हुआ है ना, सुबह से इसको मैंने बहुत बोला है, डॉग इसको मिल गया मौका, मैंने बोला कर दिया। तो वही बात है, अभी हमारा थोड़ा टी ब्रेक चल रहा है, टी कॉफ़ी वगैरह जो है वो चल रही है। वहाँ पे है स्टूडियो, तो स्टूडियो के अंदर का मैंने हल्की थोड़े बहुत तो सीन्स डाले थे और मे बी यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी शूट हो सकती है। तो फिलहाल तो गेमिंग वाले सीन्स है जहाँ पे हम गेम वगैरह खेल रहे हैं और एहसास चन्ना वगैरह जो है शूट के अंदर है, हालाँकि मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं ले रहा। वहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट दादा वगैरह है जहाँ पे उसके जो स्पॉट बॉयज़ वगैरह जो सब है और पीछे साइड तो वैनिटी आपने देखी है। तो वही बात है, अभी देखते हैं यहाँ पे कब तक पैकअप होगा, पॉसिबिलिटी तो रात को 11 बजे तक की पैकअप की है, तो फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
ले तू कुछ बोल ले, मुझे पता है तेरे मन में कुछ बोल ले। ये बड़ा बेकार है, मेरे को पूछता ही नहीं, आके मुझे बताना पड़ता है मुझे ब्लॉग में आना है। आप लोग सब ये याद रखना, आपको कैसा लग रहा है बनी राजपूत में कि मैं जिस दिन स्टार की मैं जिस दिन स्टार बन जाना, मेरा दोस्त बन गया और मैं इसके साथ अभी हमेशा ब्लॉग में, और नहीं लिया तो इसके लाइक मत करना चैनल। एक मिनट, मेरे को भी कुछ बात कहनी है। जिस दिन मैं स्टार बन गया ना तो ये ऑडियंस इसको हेट करेगी बिकॉज इसने मेरे को कचरा बोला 13,000 सब्सक्राइबर्स के सामने। बस बस खत्म, टाटा बाय बाय। नया दोस्त दो मिनट पहले बना कचरा बोलने के बाद तो वही बात है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फन और काफ़ी ज़्यादा मज़े आते शूट। तो फिलहाल तो वही सीन है, अंदर मैंने कुछ सीन बताए थे, बट टाइम टू मैं ट्राई करूँगा कि आपको अभी वापस जाने के बाद मैं शूट। तो मेरे लिए चाय लेके आई थी और मैडम खुद पी गई चाय, पूरी चाय। तो वही सीन, काफ़ी ज़्यादा फन और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी हम ऐसे ही टहल रहे हैं, पिछले आधे घंटे से इसने मेरा कान खा गई है, जहाँ पे भी जा रहा हो पीछे पीछे घूम रही है। मेरा चैनल जब तक ये प्रमोट नहीं करेगा तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे को मेंशन करना और आप चेक करना, ठीक है? देन और सब्सक्राइब करना प्लीज, मुझे भी ब्लॉगर बनना है। जाओ मुस्कान का चैनल सब्सक्राइब करो, वो बिगिनर ब्लॉगर, आने वाले टाइम में उसके ब्लॉग्स वगैरह आएंगे। 1K तो होने ही चाहिए। शीज़ अ बिगेनर, अभी उसने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, तो मैंने उसको बहुत सारी गाइडेंस वगैरह दी है, टिप्स वगैरह दी है, टिप्पणियाँ दी है। तो अभी कल रातों रात फाड़ देगी मुस्कान, कल से 1 महीने में ब्लॉगर है ना। थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा बट आई थिंक डन डन। तो मुस्कान को सब्सक्राइब कर लो बस, हैप्पी। डिस्क्रिप्शन चेक करना। Yes. तो अभी हमारा हुआ है नाश्ते का ब्रेक, सुबह का लंच तो हो गया था, अभी नाश्ते का ब्रेक है यहाँ पे। तो नाश्ते में आप देख सकते हो समोसा, अभी हमारा हुआ है स्नैक्स ब्रेक्स छोटा सा। तो हम क्या खा रहे हैं मुस्कान स्नैक्स में? ये है समोसा, हाँ, ये इसको पता नहीं क्या बोलते बट आलू वर्डी मैंने कुछ तो बोलते हैं, सैंडविच है बटर वाला। ओके, और ये नूडल्स। ओके, और बाकी और भी कुछ है बट हम लोग को इतना चाहिए नहीं, नॉर्मल सा नाश्ता हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो डन, तो करते हैं पहले नाश्ता और फिर देखते हैं। तो अभी हम हैं सेट पे और आपको मैं सेट दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। सही, और ऊपर वाला वो सब ऊपर वाले हमारा जो सीन है बेसिकली वो गेम खेलने का सीन है। यहाँ पे हेडफोन्स वगैरह जो है वो दिए हुए हैं, हमको खेलना है गेम। और मेरे साथ है सैया, तो हम दोनों टीम में खेलेंगे और फाड़ डालेंगे, गोल डालेंगे। और पीछे यहाँ पे है मेंबर्स, पीछे आप देखते हो पबजी का कवर वगैरह जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे पीछे। ये रहे मेरे कुछ प्यारे चहीते टीम मेंबर्स, तो अभी हमारी थोड़ी देर में बस शूट स्टार्ट होने वाली है। और मैं काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा बहुत से जो सीन्स थे वो तो हो चुके हैं, बट बहुत से सीन्स जो है वो अभी बाकी है। और ऐसे तो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, बट देन टू मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं और क्या चल रहा है। तो गेमिंग का शूट है जहाँ पे हमको गेम वगैरह खेलना है, हम ऑलरेडी खेल रहे थे, 2 मैच जीत गए हैं, अभी सेमीफाइनल राउंड में है। फाइनली हमारी शूट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त मैं एक गेमिंग की शूट शूट जो है वो उसकी शूट पर हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसा टेबल है जहाँ पे हमारे हाथ में फ़ोन रहेगा और हम गेम खेलेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने मेरा फ़ोन ही हाथ में रखा है और ये है मेरे जो गेमिंग पार्टनर्स है वो। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डायलॉग रिहर्सल कर रहा है यहाँ पे, तो शो पे एडवर्टाइज की शूट पे कुछ ऐसे लोग नर्वस हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। और सामने है मुस्कान जो कब से टोंट मार रही है मेरे कितने ब्लॉग में होता है। सो लेट्स सी, तो फाइनली इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। इस व्लॉग को मैं आज के व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करता हूँ क्योंकि मुझे कल भी कंटिन्यूटी शूट्स वगैरह रहेगी तो मुझे वहाँ पे जाना है और शूट्स वगैरह करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ही एंड करूँगा और आई होप मैं ज़्यादा बता नहीं पाया बट मैं जितना बता पाया आपको, जितना मैं कवर कर पाया मैंने आप सभी लोगों के लिए वो सारी चीज़ें मैंने कवर की। और एक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर कि आप कमेंट में शिकारी कमेंट करो जो हमारे ग्रुप की नाम है, ठीक है? सो वही सीन है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। ये वीडियो कंटिन्यू होगी इफ़ इफ़ इफ़
आज की शूट कंटिन्यू हुई तो, नहीं तो फिर मिलता है किसी और शूट से। ये सर।